हेलो फ्रेंड्स, मैं मीना। और सब कैसे हैं आप? तो दोस्तों, अभी फरवरी की आज 13 तारीख है और मैंने एडेनियम के दोस्तों कुछ पिछले महीने सीट कलेक्ट किया था। एक सीट पॉट तैयार हुआ था तो उसको मैंने बांध दिया था, सूख गया था तो मैंने तोड़ के कलेक्ट कर लिया था दोस्तों। जब से मैं लगाने की सोच रही हूँ तो लगा नहीं पाई हूँ। और आप एडेनियम दोस्तों ऐसा है कि आप कभी भी लगा सकते हैं इसकी सीट, आराम से जर्मिनेट हो जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस है ये कि मैंने कभी भी इसके सीड लगाए हैं तो इसके सीड ग्रो हो जाते हैं आराम से। तो दोस्तों ये कुछ एडेनियम की सीड थी। तो यहाँ पे देखिए, ये एडेनियम की ऐसे सीड होते हैं, ये कुछ इस तरह से। तो ये दोस्तों मैंने, ये देखिए, ये मैंने निकाल ली है इसमें से और अभी निकाली है। तो एडेनियम दोस्तों ऐसा, जब भी आप सीड पॉट कलेक्ट करें तो तुरंत इनको सीड मिट्टी में लगा दें, सैंड में, तो रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों। और जब हम पुराने सीड लगाते हैं तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं भी मिलता है। जब हम ये नए सीड लगाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है दोस्तों। तो आप कोशिश करें कि जब भी आप सीड पॉट कलेक्ट करें तो तुरंत ही इसको ग्रो भी कर लें। और ये देखिए कुछ इस तरह से, ये इससे मैं फली जैसी थी इसकी, तो इसमें ये निकले हैं। तो इसी में मैंने निकाल कलेक्ट कर लिया दोस्तों, अभी निकाले हैं और इनको हमें ग्रो करना है। और हवा में दोस्तों ये बहुत उड़ जाते हैं, हल्के होते हैं ये सीड। तो हमें देखिए, लगाने के लिए मैंने सैंड ली है और इसको गीला कर दिया है दोस्तों। तो आपको सैंड लेना है और बस दोस्तों हमें क्या करना है, हमारी ये सीड पॉट है। आप कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, बट मेरे पास नहीं है अभी कोकोपीट, तो मैं सैंड में ही लगा देती हूँ। और हमें बस ऐसे ही रख देना है। और दोस्तों पता नहीं इसमें से कितने जर्मिनेट होंगे कितने नहीं होंगे, तो हम सभी लगा देते हैं। ये देखिए अभी मैं ऐसे ही रख रही हूँ। और जो सीड थोड़े से भारी होते हैं वो लग जाते हैं और जो हल्के होते हैं वो नहीं लग पाते हैं, ख़राब भी हो जाते हैं कुछ सीड दोस्तों अच्छे। कुछ एक लग जाते हैं, हेल्दी सीड होते हैं वो लग जाते हैं आराम से, जो नहीं होते हैं वो नहीं लग पाते हैं। और आप इनको दोस्तों कोकोपीट में भी लगा सकते हैं, राइस हस्क और कोकोपीट मिक्स करके लगा सकते हैं। मैं ओनली सैंड में लगा रही हूँ, तो सैंड में भी ये आराम से दोस्तों लग जाते हैं बहुत अच्छी इनकी, और जर्मिनेशन हो जाता है। बस हमें इनको कवर करके रखना होता है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि हमें इनको कैसे कवर करना है। और हमारी ये सीड, ये देखिए मैंने सारी सीड अपने लगा दी है। ये इतने थे मेरे पास तो मैंने लगा दिए हैं। अब इनका रिजल्ट दिखाएंगे दोस्तों कैसा क्या रहा। तो बस हमें दोस्तों क्या करना है, इसको कवर कर देना है, मिट्टी से ढक देना है। तो ये हमारी सीट, ये देखिए, ये बस मिट्टी में हमें ऐसे ही लगा देनी है। या तो आप इनको अंदर करके मिट्टी ऊपर से डाल दीजिए, नहीं तो ऊपर से मिट्टी भी आप डाल सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। और पहले भी मैंने सीड ग्रो किए हैं दोस्तों, तो काफ़ी अच्छा उनका रिजल्ट रहा। और आप मिट्टी छान के लगाइए, बजरी जो हमारे रिवर सैंड होती है वही है ये, और आप इसको छान लीजिए। और मैंने नहीं छाना है, ऐसे ही रख दिया है क्योंकि ये पहले मैंने इसमें सीड ग्रो किया था तो वही है ये, अलग से मैंने कोई नई सैंड नहीं ली है इसमें। ये देखिए मैंने सारे अंदर कर दिए हैं। और बस दोस्तों गीला तो है ये, पानी नहीं देना है हमें क्योंकि बहुत गीली है सैंड में, तो हमें पानी बिल्कुल नहीं देना है। और बस हमें इसको किसी पॉलीथीन से कवर कर देना है। तो जैसे कि बड़ी पॉलीथीन हो तो उससे हमें बस इसको कवर कर देना है और कुछ नहीं करना है। ये 15 दिन में इसका जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, फिर मैं आपको इसका अपडेट ज़रूर दूँगी दोस्तों। तो कवर करके हम एक तरफ रख देंगे, छाया में ही रखना है, शेड में रखना है। अगर हो सके तो आपके पास पेड़ों के पास रख दीजिए, जहाँ हल्की सी छन की धूप भी आए इनको। तो मैं ऐसी जगह रखूँगी जहाँ धूप और छाया दोनों मिले। तो बस एडेनियम की सीड हमें ऐसे ही ग्रो करना है। और ये हमारे जो रहते हैं ये किसी काम के नहीं है। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।